उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में राज्य मंत्री गुलाबो देवी ने किसानों पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि जो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं वो किसान नहीं है, केवल वो विरोधी लोग हैं जो हरियाणा और पंजाब में किसानों को ब्लैकमेल करते आ रहे थे। और जहां तक किसान आंदोलन की बात है तो इस मुद्दे को किसान उठा ही नहीं रहा, ये तो वो लोग हैं जो उन्हें ठगते थे, जिन्होंने किसानों को बेरोजगार बना दिया था। ऐसे लोगों की अब जेबें खाली हो गई हैं, वो लोग अब उपद्रव मचा रहे हैं। किसानों को तो टाइम ही नहीं, भाजपा सरकार ने उनके लिए इतनी व्यवस्थाएं की हैं कि किसान अब अपनी फसल मंडियों के साथ ही कहीं भी बेच सकता है। और किसान कह भी रहे हैं कि अब उनकी फसल का पैसा सीधा अकाउंट में पहुँच रहा है, अब दलालों को कोई पैसा नहीं दिया जा रहा। योगी की मंत्री आज मुरादाबाद में विभिन्न मुद्दों पर पत्रकारों से चर्चा कर रही थी, दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसानों पर पूछे गए सवालों का जवाब दे रही थी। राज्य मंत्री गुलाबो देवी ने किसान आंदोलन को सीधे तौर पर विपक्षी पार्टियों द्वारा की जा रही राजनीति बताया और कहा कि पूरा आंदोलन ही राजनीति हो गया है। हमारे शेर मुख्यमंत्री की बात करो जो कि पूरे इंडिया में छाए हुए हैं, हम दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात नहीं करते, इतना तो एक मोहल्ला होगा जितनी बड़ी दिल्ली है उनकी। दूसरा, हिंदू महासभा की बात करें, उसने गोड से लाइब्रेरी ओपन की है वहीं पे, और वो कह रहे हैं कि जो है नेशनलिज्म शो करती है लाइब्रेरी, राष्ट्रीयता को प्रदर्शित करती है। देखो, मैं इस संबंध में कुछ कहना नहीं चाहूँगी, लेकिन जो वो कह रहे हैं उस पर मैं नहीं जाना चाहती, पर हमारे सरकार, हमारी पार्टी जो कुछ कर रही है वो अच्छा ही कर रही है। मैम, दूसरा किसानों की बात करें, वहाँ पे एक जो है यहाँ पे बोला जा रहा है फार्मर्स बारे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रास्ता हमें नहीं लेना है, और तमाम तरीके के प्रदर्शन अभी भी लगातार जारी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? आप भी सब समझदार हैं और इस बात को देख रहे हैं कि किसानों के पास इतना समय नहीं है कि वो इस तरीके से हंगामा करें। ये वो लोग हंगामा कर रहे हैं, वो लोग इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं जिनकी जेबें आज खाली हो रही हैं, जिनके हाथ से सब कुछ निकल रहा है। माननीय मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था की है कि अब किसानों का शोषण नहीं होगा, उनको उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। जो भी माल किसान बेचेगा, जहाँ भी बेचेगा, जहाँ भी उसको अच्छी उपलब्धि होगी धन की, वो वहाँ अपना माल भेजेगा और सीधा सीधा धन जो है प्राप्त करेगा। सारा ऑनलाइन सिस्टम कर दिया गया है, जो किसान है वो खुश हैं और जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान है ही नहीं है किसान जी। और मैम, दूसरा हरियाणा के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा रोल है इसमें, प्रोटेस्ट में, आप क्या मानती हैं? वो क्या बोल रहे हैं मैं उसमें नहीं जाना चाहती, वो अपने 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 मन से सब बोलते हैं, लेकिन मैं जो कह रही हूँ कि किसानों को फुर्सत नहीं है, किसान बहुत खुश हैं। आप यहीं से देख लीजिए, हमारे संबल से देख लीजिए, हमारे मुरादाबाद से देख लीजिए, आप चाहते जिलों से देख लीजिए, कहीं कोई किसान जो है वो नाखुश नहीं है, सब खुश हैं, कह रहे हैं माननीय मोदी जी ने जो निर्णय लिया है और माननीय तोमर जी ने जो निर्णय लिया है वो सिर पर है और हम उसको सिरोधारी करते हैं।